हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी यानी कि लैप्रोस्कोपी द्वारा जो अपेंडिक्स निकालने का ऑपरेशन है, उसके बाद जब आप घर पहुंचते तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। I will recommend कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इसके सारे पार्ट्स देखिए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप सारे स्टेप्स फॉलो कर पाएं, आप सारी अपनी क्वेरीज के आंसर इसमें जान पाएं। उसके अलावा भी अगर कुछ बच जाए तो आप बेशक कमेंट कीजिए, पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपेंडिक्टमी या लैप्रोस्कोपी द्वारा जो अपेंडिक्स निकालने का ऑपरेशन है, उसके बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मोस्ट कॉमन चीज़ जो पेशेंट्स को तकलीफ देती है वो है पेन। तो लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टमी होने के बाद जो पेन की प्रॉब्लम है वो कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लगभग 4 से 6 हफ्ते लगते हैं आपका ये पेन जो है वो कम होने में। जब आपका ऑपरेशन इमीडिएटली हुआ होता है उस टाइम पे पेन थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑन डिस्चार्ज आपको दवाइयाँ दी जाती है, पेन किलर मेडिकेशन। 99% टाइम्स जो पेन है वो ये पेन किलर मेडिकेशन से कंट्रोल हो जाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे ये जो पेन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा और आप रियलाइज़ करेंगे कि बिना दवाई के भी अब आपको पेन जो है वो बेरेबल हो गया है। कुछ दिन के बाद वो पेन एकदम खत्म हो गया। ये सारे प्रोसेस होने में लगभग 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। पेन जनरली दो टाइप का होता है जो कि पेशेंट्स बताते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड के शोल्डर में पेन, एक होता है पेट में जो एब्डोमेन है वहाँ पे पेन। जो लेफ्ट साइड का शोल्डर पेन है वो इसलिए होता है क्योंकि लैप्रोस्कोपी का ऑपरेशन करने के टाइम पे आपके पेट में कुछ गैस भरी जाती है। वो ऑपरेशन करने का एक स्टेप है, एक प्रोसीजर है जिसके बिना ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो गैस है आपके डायफ्राम को इरिटेट करती है, उसके कारण ये पेन होता है। ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है और ये अपने आप धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। उसी के बाद जो पेट में आपको दर्द होता है वो इसलिए होता है कि इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए कम से कम 2 से 3 या कभी कभी 4 होल्स या छेद या इंसिजन बनाए जाते हैं जिनके की द्वारा इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं। तो ये जो वूंड है जब हील हो रहा होता है तो वो भी पेन कॉज करता है। तो ये दो मेजर कारण है पेन होने के। ये पेन अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है, अगर पेन जो है वो धीरे धीरे कम नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करने की और उनसे जानने की कि अब मैं आगे क्या करूँ, मेरा पेन कम नहीं हो रहा है। पर 99% ऑफ द टाइम जो पेन है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाना चाहिए, लगभग 4 से 6 हफ्ते के बाद। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है गले में तकलीफ होने की। गले में इरिटेशन होता है लोगों को, वो इसलिए होता है क्योंकि जब लैप्रोस्कोपी द्वारा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो आपको पूरी भूल दी जाती है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसमें कि एक ट्यूब आपके गले में डाला जाता है। तो वो जो ट्यूब है वो वहाँ पे रहता है जितनी देर ऑपरेशन चल रहा होता है, उसके कारण जो आजू बाजू के टिश्यूज़ हैं उनमें इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो वही तकलीफ जो है आपको बाद में गले में रैशेज या गले में खराश जैसी फीलिंग ला सकती है। तो वो भी कोई घबराने की बात नहीं, इट इज़ एक्सपेक्टेड। आप मार्केट में जो इजीली मिलने वाली लोजेंजेस हैं जैसे स्ट्रेप्सिल्स है, हॉल्स है, जैसे विक्स है, जो गोली आती है, आप वो ले सकते हैं, उनसे आपके गले को थोड़ा आराम मिल सकता है। जो वूंड होते हैं वहाँ पे हो सकता है कि रैशेज आ जाए। जो वूंड है जहाँ पे 3 से 4 होल्स थे, आपको भी पाएंगे कि उसके आजू बाजू कुछ रेडनेस आ गई है, कोई खुजली हो रही है, कोई रैश जैसा आ गया। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है। ये जो रेडनेस होना या कभी कोई खुजली होना या कभी कोई रैशेज जैसा दिखना, ये जो है कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। ये वूंड हीलिंग के प्रोसेस में आती है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को जो ड्रेसिंग करने के टाइम पे जो स्टिकिंग टेप यूज़ करते हैं, कि गम की एलर्जी होती है, तो उसके कारण भी कभी कभी आपको रैशेज आ सकते हैं। ये भी अपने आप ही चले जाएंगे अगर आप कुछ दिनों के बाद वो ड्रेसिंग यूज़ करना बंद कर दें। लूज मोशन होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टमी के बाद। वो इसलिए होती है क्योंकि आपको कई बार बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही होती है, जैसे एंटीबायोटिक, जैसे पेन किलर, जैसे इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाइयाँ। इन सब के कारण डायरिया या लूज मोशन होना बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। कुछ दिनों में जैसे आपकी दवाइयाँ बंद होगी, ये लूज मोशन भी अपने आप रुक जाएंगे। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमनली आया हुआ क्वेश्चन रहता है कि अब आप अपना नहाना धोना कब शुरू कर सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्रेसिंग कौन सी है और आपके सूचर्स कैसे हैं, आपके टाके कैसे लगे। तो अगर ड्रेसिंग वाटरप्रूफ है तो बेशक आप अगले ही दिन से नहाना शुरू कर सकते हैं। अगर वो सादी ड्रेसिंग है, वाटरप्रूफ नहीं है, तो आप इनिशियली स्पंजिंग कीजिए स्टार्टिंग के 4-5 दिन। वहाँ पे वूंड जो है वो एकदम फ्रेश है, आप स्पंजिंग यानी कि आप कपड़े से अपने आप को पोंछ लीजिए, गर्म गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। उससे होता ये है कि वूंड है वो गीला नहीं रहता, सूखा रहता है, तो उसकी हीलिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि सूचर्स कौन से टाइप की। अगर सूचर्स ऐसे वाले हैं या स्टिचेस ऐसे वाले हैं जो कि अपने आप अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको उनको निकलवाने की भी जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे बॉडी में अपने आप ही अब्जॉर्ब हो जाएंगे, आप अपना नहाना धोना शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर वो ऐसे टाइप के हैं कि जिनको निकलवाना पड़ रहा है या वो स्टेपलर पिंस हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि आपको वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो जगह गीली न रह जाए। सपोज गीली हो गई
और ड्रेसिंग निकल गई, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ड्रेसिंग निकल गई अब मैं क्या करूँ। आप उस वुंड को साफ कीजिए और वहाँ पे उसके ऊपर बैंडेड लगा दीजिए, और जब आप अपने नॉर्मल फॉलोअप के लिए जाएंगे अपने डॉक्टर को बता दीजिए कि ऐसे ऐसी चीज़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेशन कराने के बाद वो आप ड्राइविंग वगैरह कब से शुरू कर सकते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाना या ट्रैवल करना किसी ट्रेन में या बस में। तो उसका आंसर ये है कि ड्राइविंग जो है आप स्टार्टिंग के एक हफ्ते अवॉइड कीजिए, क्योंकि कई बार दवाइयों के कारण हो सकता है कि आपको वीकनेस महसूस हो सकता है कि आपकी अलर्टनेस जो है उसके लेवल कम हो, तो ड्राइविंग करना जो है वो रिस्की हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्टार्टिंग एक हफ्ते आप ड्राइविंग अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने की बात आती है, अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबली अपने व्हीकल में बैठ के जा सकते हैं, बेशक है कि आपको तकलीफ ना हो। इसका कोई फिक्स्ड डे या नंबर ऑफ डेज नहीं है कि जो आपको कोई भी डॉक्टर बता पाए कि तुम एक हफ्ते ही आराम करना ज़रूरी है, 10 दिन आराम करना ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी आपको अपने आप बताएगी कि आपको कब तकलीफ होना कम हो गई और आप कौन सी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू कर सकते। तो जहाँ तक डेली एक्टिविटीज़ की बात आती है, अगर कोई यंग व्यक्ति है तो वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ पर जल्दी आ सकता है वापस, कोई मिडिल एज है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, कोई और भी ओल्ड है तो उसको उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। जनरली देखा गया है कि पेशेंट्स को कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में वापस आने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि हैवी एक्टिविटीज़ यानी कि जैसे जिम है, जैसे कि स्पोर्ट्स है या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है या रनिंग है, जो विगरस एक्सरसाइजेज है, उनको कब शुरू किया जा सकता है? जब आपकी बॉडी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ आपको करने दे, आपको कोई तकलीफ ना हो रही हो, आपके सिम्टम्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो ही आप धीरे धीरे अपनी विगरस एक्टिविटीज़ पे वापस आ सकते हैं। एज अ थंब रूल, ऑपरेशन के बाद 4 से 6 हफ्ते आप लाइट एक्टिविटीज़ कीजिए, उसके बाद आप अपनी धीरे धीरे हैवी एक्टिविटीज़ ग्रेजुअली शुरू कीजिए। अगर आप वजन उठाना चाहते हैं उसको पहले कम उठाइए, फिर थोड़ा ज़्यादा, और फिर अपने नॉर्मल रूटीन पे आइए। अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो पहले स्लो फिर फास्ट, फिर आप अपने आप को पुश कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए भी सेम चीज़, पहले कम फिर मॉडरेट फिर थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वुंड हीलिंग का प्रोसेस लगभग 3 से 4 हफ्ते लेता है। उस दौरान अगर आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस ना दें अपने वुंड्स को, उसकी हीलिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। जहाँ तक लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टमी की बात आती है, आपको कौन सी डाइट खानी है, कौन सी डाइट कंज्यूम करनी है ऑपरेशन के बाद, ये बहुत ही क्रिटिकल है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको अपने डॉक्टर से बहुत ही क्लियरली पूछ के समझ के इसका आंसर लेना चाहिए। क्योंकि ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टमी का ऑपरेशन कई बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में बदल जाता है। अगर आपका ऑपरेशन सिंपल हुआ है, यानी कि सिर्फ अपेंडिक्स निकाला गया है और बाकी बचे हुए इंटेस्टाइन्स पर कोई ट्रीटमेंट या कोई सर्जरी नहीं की गई है, तो आप अपनी नॉर्मल रूटीन डाइट जो है अपने डॉक्टर से पूछ के लगभग 2 से 3 दिन में शुरू कर सकते हैं। इस डाइट का हाइजीनिक होना ज़रूरी है और इसमें तेल मसाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपका डायरिया वगैरह आपको नहीं हो रहा है, तो आप अपने नॉर्मल रोटी सब्जी वाले डाइट पे आ सकते हैं। वेज और नॉनवेज में कोई भेदभाव नहीं है, आप वेज भी खा सकते हैं नॉनवेज भी खा सकते हैं, उसका ऑपरेशन के आने वाले रिजल्ट्स पे कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स करते हुए कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था, आपके बचे हुए इंटेस्टाइन्स के ऊपर भी कोई ऑपरेशन किया गया था, तो ये आपको अपने डॉक्टर से क्लैरिफाई करना चाहिए। फिर वो आपको बहुत ही स्पेसिफिक स्टेप्स में बताएंगे कि आपको कितने दिन लिक्विड खाना है, कितने दिन सॉलिड खाना है, और कितने दिन के बाद आप पूरा खाना खा सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेंटेनिंग हाइड्रेशन, वो लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टमी हो या कोई भी ऑपरेशन हो। हाइड्रेशन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है रिकवरी के फेज में, क्योंकि वो वुंड हीलिंग में बहुत हेल्प करता है और बाकी बॉडी के फंक्शंस में, दवाइयों को मेटाबोलाइज करने में, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में उसकी काफ़ी मदद होती है। तो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज वेल हाइड्रेटेड एंड स्पेशली आफ्टर यू हैव अंडरगॉन अ सर्जरी लाइक लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टमी। नेक्स्ट मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है कि ऑपरेशन के बाद आपको अपने डॉक्टर को कब फ़ोन करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिनको आप नोटिस करेंगे और आप अपने डॉक्टर को फ़ोन करना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात है, अगर आपको फीवर आ रहा है, अगर आपको फीवर आ रहा है और फीवर बढ़ता जा रहा है, आपको जो बेसिक मेडिकेशन दी गई है पेन किलर वगैरह की, उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो, यानी कि कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कि कारण फीवर आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत ही इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर पेन जो है वो आपका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी कि कम नहीं हो रहा है बट दिन बाय दिन अगर पेन बढ़ता जा रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आगे मैं इसका क्या सोल्यूशन करूँ। तो ये था एक वीडियो आपको ये समझाने के लिए कि लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टमी के बाद आपको घर में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि आपकी रिकवरी बेस्ट हो और आपको ऑपरेशन के बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब टू द चैनल। लिव हेल्दी लिव स्मार्ट।